गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में शहीद भारतीय जवानों की शहादत से पूरा देश आक्रोशित है। सैनिकों की शहादत को लेकर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों भारतीय सैनिकों को निहत्थे चीनी सेना से लड़ने के लिए भेजा गया। हिंदुस्तान के सैनिकों की बहादुरी को कम आंकना शायद किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। हमारे रणबांकुरों की जाबाजी, बहादुरी और शौर्य की गाथा तो उन्होंने न केवल हिंदुस्तान पर, पूरी दुनिया में उन्हें जहां जहां भेजा गया उसकी माटी पर अपने खून से लिखी है। सैनिक का शौर्य पर तो कोई सवाल भी उठाए ये हमें मंजूर नहीं, पर नेतृत्व क्या कर रहा था, केंद्रीय नेतृत्व कहां था? 52-55 दिन तक तो मोदी जी ने ये स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया कि चीन ने घुसपैठ कर भारत की सरजमी पर कब्जा कर लिया है। आज भी प्रधानमंत्री देश को नहीं बता रहे कि चीन के द्वारा कितने स्क्वायर किलोमीटर में कहां कहां किस किस जगह पर हमारी सरजमी पर कब्जा किया गया है। As rightly Randeep ji pointed out, now nation is asking some pertinent question to the government of India. Will the PM and RM answer to the nation? Number one question, why were our brave army officers and soldiers sent unarmed? Number two, who gave this order to our valiant soldiers? Number three, when our army officers and soldiers were being sent unarmed, why was armed backup force not available as per existing army protocol? He backup